ट्रिगर्ड इंसान, स्वच्छ रोस्टर, पारिवारिक कंटेंट, नूबर प्लेयर, और फिर भी हुआ रोस्ट, और वो भी बारंबार, लगातार बोले तो पूरे के पूरे 3 बार। उनके सब्सक्राइबर्स पता कैसे बढ़े? उसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े हैं नहीं, उसकी 100 वीडियो होंगी भले ही, नहीं 102 है ना, कुछ तो 102 या 103 होगी, उसके अंदर से 30 या 40 वीडियो तो ढिंचक पूजा पे बनेगी कुछ करके, और लोगों को मजा आने लगा, उन्होंने सब्सक्राइब मारा। ढिंचक पूजा सबसे बकवास है। अब देखो, क्योंकि अभी तालाबंदी में सीआईडी की टीम सोनी टीवी के किसी एपिसोड में फंस गई, तो इसलिए इस चीज की पड़ताल हम खुद करेंगे कि आखिर सच में ट्रिगू भैया ने ढिंचक पूजा पे ज्यादा अत्याचार किए हैं, या फिर ये इंटरनेट से भी छोटी उम्र के लौंडे हमेशा की तरह मुंह से भाग रहे हैं। नहीं देखो, अब तुम इन बच्चों को कुछ नहीं बोलोगे, ये देखने में चूती है लेकिन बात सही की है। मतलब ट्रिगू भैया ने अपने चैनल के जवानी के दिनों में ढिंचक पूजा के साथ बहुत अय्याशी की है। मतलब बैक टू बैक 10 वीडियोस ऑन ढिंचक पूजा, इतनी तो भैया हैरी पॉटर की सीरीज भी नहीं आई है। उनका असली नाम है निश्चय और उनकी पूरी फैमिली यूट्यूबर है यार। देख, उसका वो खुद ट्रिगर इंसान, उसका एक दोस्त है मितपैट, हितेश, सबके एक एक चैनल है, और उनका भाई फुकरा इंसान, उनकी मम्मी डिंपल किचन, और फिर उसकी बहन बॉन्डर, सब उसका हस्बैंड के भी एक चैनल है उसकी। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन इन्हें बहुत सेंस वाली बात लगी थी उस टाइम। बच्चे तू अपने मुंह पे हगिस डाल, क्योंकि तू मुंह से बहुत हग रहा है। सालो, तुम ट्रिगर्ड इंसान को रोस्ट करने आए हो या उसकी तारीफों के पुल बांधने आए हो बे? उसका दोस्त यूट्यूबर है, मम्मी यूट्यूबर है, बहन यूट्यूबर है, और ये बोल के ये रोस्ट करेंगे? मैं बता रहा हूँ, ये वही चमन चूती है जो पैदा होते ही साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और स्कूल के दिनों में आते आते इनका एम डॉक्टर पे शिफ्ट हो जाता है, और जब जवानी का दिन आता है तो ये साले इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, और जब इनसे ये सब कुछ नहीं हो पाता तो बगल वाली गली में समोसा का ठेला लगा के लौंडियों से मजा लूटते हैं। वो भाई इतना मतलब लालची है पैसे कमाने का, वो इतने सारे कौन नहीं होता। तू उसकी साइड लेगा या मेरी साइड लेगा? सॉरी सॉरी सॉरी। और भाई, तो वो YouTube पे पैसे कमाने आया, लोगों को हंसाने आया भाई? हंसाने आया, हंसाने। हाँ, अगर आपने उसकी एक वीडियो देख ली ना, 9 MMA सेकंड नॉकआउट देख लो भाई, आप हंस के सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही आपको। बकचोद बच्चों, तुम पहले आन मान का खोपड़ा कर लो कि भैया तुम दोनों एक दूसरे के साइड हो, या फिर तुम्हें किसी ने जबरन एक साथ बैठा दिया। देखो, मैं बताता हूँ इन जैसे नूबड़ों का क्या काम होता है। ये सोचते हैं कि हम कुछ भी किसी के बारे में बोल देंगे, फिर वो हमें करेगा रिप्लाई, उससे आएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स और आएंगे व्यू, फिर हम लूटेंगे मजा। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके चैनल पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, ना तो व्यूज देने हैं ना कमेंट्स देने हैं, रहने दो सालों के ऐसे। मतलब पहले खुद का बड़ा कर लो सोच, और खुद भी बड़े हो जाओ, फिर रोस्ट पोस्ट करना ना, बहुत टाइम है, पढ़ ले अभी। जलस होता है ना ढिंचक पूजा से, क्यों होता है जलस मुझे? कि उसने काश मुझे रोस्ट किया होता, मैं कितना ज्यादा ये होता, कितना फेमस हो जाता, है ना? किसके मन में ख्याल है? वो भी नहीं है, किसके मन में ख्याल नहीं आता फेमस होने का? अब मेरे मन में तो आता है। और देखो, माफ कर देना यार इन लंडेरो बच्चों को, आखिर कितनी देर तक छुपाते कि ये रोस्ट वोस्ट बाण में गया, ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब फेमस होने की प्लानिंग चल रही है। मतलब सालो, तुमसे बैकग्राउंड तो फिक्स हो नहीं रहा, कभी नीला कभी वॉयलेट, ना जाने कौन कौन सा रंग चेंज कर रहा है, और साले रोस्ट करेंगे। चलो नुबड़ो, अच्छा ये सब तो हमने देख लिया, पर ये क्या था बे? मतलब उसको रोस्ट के बिना हमारे मन में अंदर से कुछ कुछ होता है कि उसको जब तक रोस्ट ना करे तब तक मन में कुछ होता ही नहीं है, बस उसको रोस्ट रोस्ट बस रोस्ट कर दे। और हमारे देवता रोस्ट के मामले में कोल्ड ब्लडेड ब्रदर्स, उन्होंने हमको सिखाया है क्रिकेट इंसान को गोश्त करो, बस क्रिकेट इंसान को ही करो, हम उनकी वजह से यूट्यूब पे चैनल बनाए। सबसे पहली बात, अगर तुझे उसको रोस्ट करे बिना चैन नहीं आता तो समझ ले तुझे ट्रिगर्ड इंसान का कुछ और चाहिए, तो सबसे पहले जाके वो ले ले। और खोपड़ी वाले, तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जो प्रभु है ना कोल्ड ब्रदर्स, उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को सॉरी बोलने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो अगर तुम उनकी वजह से यूट्यूब पे आए तो उनकी वजह से यूट्यूब से जाओगे भी। मैं बता रहा हूँ, इन चमन चूतियों के पास कोई आइडिया नहीं होता, कल को ये संदीप महेश्वरी को भी रोस्ट कर दे तो कोई आश्चर्य मत करना, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास एक ऑफर है कि नीचे जो लाल बटन है ना, उन्हें इस दोनों का मुंह समझो, और जितना पेलना है पेल दो, एक सब्सक्राइबर आ जाना चाहिए, और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। और एक बताना चाहता हूँ कि इन जैसे सो कॉल्ड रोस्टर्स को ज्यादा भाव मत दो भाई, ये कुछ भी कर देंगे, पता नहीं कल क्या क्या कर देंगे। और इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, उसमें मेरी वीडियोस के कलेक्शन है जो मेरे हिसाब से तुम्हें देखनी चाहिए, तो एक बार देख लेना यार। जब ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो मेरे हिसाब से वो भी लगेगी। क्या चलते हैं फिर, #stayhome #stay safe। कड़क बन मत बन, तू ठोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला।
बात कम, सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा छोपला।